अस्सलाम वालेकुम, जेके न्यूज के साथ मैं हूं उज़मा ज़मान। आज की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि इस्तेहसाली निज़ाम बदल कर कश्मीर को फलाही रियासत बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर के आवाम के हकूक की आवाज़ बुलंद करने पर वजारत उज़्मा से हटाया गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का जलसा से खिताब। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरे आइडियल लीडर थे, जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। गुजर खान में जलसे से खिताब। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर कातिलाना हमले की तहकीकाती रिपोर्ट 7 दिनों में पेश करने का हुक्म दे दिया। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि बहुत जल्द बरतानवी पार्लियामेंट में मसला कश्मीर को बाज़ाब्ता तौर पर उठाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमेशा डिक्टेटरों की सरपरस्ती से इक्तदार पर मुसल्लत होती रही है। कोटली में गुलपुर के मुकाम पर बस हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी, जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। जी हाँ, और अगर किसी मजदूर पर माजूर लावारस बच्ची का बोझ भी हो तो शबो रोज कैसे गुजरते हैं, इस हवाले से देखेंगे खसूसी रिपोर्ट। किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, आज़ाद कश्मीर में यूथ को मजबूत कुव्वत बनाएंगे। साहबजादा ज़ुल्फ़िकार का कोटली में खिताब। मिनी लंदन मीरपुर के लाखों शहरी दोहरी नेशनैलिटी रखने वाले बरतानवी शहरी हैं। इस साल रिकॉर्ड में मुल्क और कौम के ये सफीर मीरपुर आए हैं, इस हवाले से देखेंगे खसूसी रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि इस्तेहसाली निज़ाम बदल कर कश्मीर को बरतानिया की तरह फलाही रियासत बनाएंगे। कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तारकीन वतन के वफूद से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जामे मनसूबाबंदी के तहत ऐसा रोड मैप तैयार कर लिया है जिससे आज़ाद कश्मीर फलाही माशरे की जानब गामजन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी मैंडेट से बरसरे इक्तदार आई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद और तामीर व तरक्की में किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि हम अवाम की तवक्कुआत पूरी करेंगे और माजी के हवाई ऐलानात के बजाय अवाम की अमली खिदमत कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम के हकूक की आवाज़ बुलंद करने पर वजारत उज़्मा से हटाया गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का जलसा से खिताब। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर व अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने खुईरटा में मुस्लिम लीगी कारकुनों से खताब करते हुए कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अब किस्सा पारीना बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम सियासी अजारादारों और लैंड माफिया की सरपरस्ती करने वाले सियासतदानों के नरगे से निजात हासिल कर लें तो कोई अवाम के हुकूक गसब नहीं कर सकता। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि खित्ते के अवाम के हुकूक के तहफ्फुज़ का अहद कर रखा है। मुझे आज़ाद कश्मीर के अवाम के हुकूक की आवाज़ बुलंद करने पर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत वजारत उज़्मा से हटाया गया था। उन्होंने कहा कि अवाम के हुकूक का मुस्लिम लीग नून पूरी कुव्वत से तहफ्फुज़ करेगी।
برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد نے کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو میرے آئیڈیل لیڈر تھے، جو پاکستان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ گجر خان میں جلسہ سے خطاب۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد خان نے گجر خان میں منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جہاں بھی جارحیت ہوگی میں اس کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے علاوہ تمام محکوم و مظلوم قوموں کی آزادی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کی غلطی کی تو میں اس کے خلاف بھی آواز بلند کروں گا۔ جلسہ سے راجہ اللہ دیتا، سابق ناظم جاوید اخلاص، راجہ سلطان اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے لارڈ نذیر احمد کی قومی و ملی اور عالم اسلام کے لیے ان کی خدمات اور کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ پاکستان ہماری امنگوں اور امیدوں کا محور ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام دشمن قوتیں امت مسلمہ کے اندر تفرقہ بازی کے ذریعے مسلمانان عالم کو آپس میں لڑانے کی مضموم سازشوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر پاکستان پرویز مشرف کو واپس پاکستان آ کر ملک کی عدالتوں میں قانون کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر لارڈ نذیر احمد کو ان کی خدمات کے اعتراف میں شیلڈ پیش کی گئی۔ اجتماع میں سیاچن میں برف کے تودے تلے دبے پاکستانی فوج کے آفیسران اور سپاہیوں کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر قاتلانہ حملے کی تحقیقاتی رپورٹ 7 دنوں میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ جسٹس محمد اعظم خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے چیف جسٹس ہائی کورٹ پر قاتلانہ حملے کے کیس کی سماعت کی۔ عدالت کے طلب کرنے پر انسپکٹر جنرل آزاد کشمیر پولیس ڈاکٹر طارق محمد کھوکھر نے بتایا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس غلام مصطفیٰ مغل پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں، بہت سے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے عدالت کو یقین دلایا کہ جب تک اس کیس کی تہ تک نہیں پہنچا جاتا تحقیقات جاری رہیں گی۔ چیف جسٹس آزاد کشمیر جسٹس سردار محمد اعظم خان نے سست روی سے تحقیقات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات میں بہت سی باتوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے وکلا اور عوام کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے آئی جی آزاد کشمیر کو 1 ہفتہ کے اندر تحقیقات کی تحریری رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد نے کہا ہے کہ بہت جلد برطانوی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر کو باضابطہ طور پر اٹھایا جائے گا۔ اسلام آباد میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی طرف سے ان کی رہائش گاہ پر لارڈ نذیر احمد کے اعزاز میں زہرانہ دیا گیا۔ زہرانے میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اسپین، فرانس، ناروے، بیلجیم اور دیگر ممالک سے آئے ہوئے تارکین وطن کی ایک بہت بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ برطانیہ سے مسئلہ کشمیر کو پورے یورپ اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ ہماری کوششوں سے 64 سال میں پہلی مرتبہ برطانوی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر پر بحث ہوئی، جس سے واضح ہوتا ہے برطانوی پارلیمنٹ نے اب مسئلہ کشمیر پر توجہ دینا شروع کر دی ہے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ برطانوی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر پر دوبارہ بحث کی جائے۔ لارڈ نذیر احمد نے اس موقع پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کی کوششوں کی تعریف کی۔ اس موقع پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ لارڈ نذیر احمد نہ صرف برطانیہ بلکہ یورپ اور امریکہ میں مسئلہ کشمیر کو اٹھانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اس پر ہم سب ان کے مشکور ہیں۔ آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ مسلم کانفرنس ہمیشہ ڈکٹیٹروں کی سرپرستی سے اقتدار پر مسلط ہوتی رہی۔ مظفر آباد میں عوامی وفود اور مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد یاسین نے کہا کہ ڈکٹیٹروں کی پیداوار مسلم کانفرنس نے 55 سال حکومت کی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی قوت سے برسر اقتدار آئی ہے۔ چودھری محمد یاسین نے کہا کہ مسلم کانفرنس اب کبھی بھی عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ آزاد کشمیر کے عوام نے پیشہ ور سیاسی بہروپیوں کی تمام سازشوں کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی عوام کے حقوق کو غصب نہیں کر سکتا۔ پیپلز پارٹی عوام کے حقوق پر شب خون مارنے والوں کا بھرپور محاسبہ کرے گی۔ کوٹلی میں گلپور کے مقام پر بس حادثہ، 3 افراد جاں بحق، 25 زخمی، زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔
आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में गुलपुर के मुकाम पर लाहौर से कोटली आने वाली बस मोड़ काटते हुए उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 25 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। जख्मियों में बच्चे और हवातीन भी शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे जब्बार अली शौकत के मुताबिक बस लाहौर से मुसाफिरों को लेकर कोटली आ रही थी कि गुलपुर के मुकाम पर ओवरलोड होने के बायस मोड़ काटते हुए उलट गई, जिसके नतीजे में अब्दुल हुसैन साकन लाहौर, शकील साकन काकड़ा टाउन और एक नामालूम शख्स जाँ बहक हो गए। हस्पताल ज़राए के मुताबिक 3 अफराद शदीद जख्मी हैं, जबकि बाकी तमाम मुसाफिरों को मामूली चोटें आई हैं। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। जी हाँ, और अगर किसी मजदूर पर माजूर लावारस बच्ची का बोझ भी हो तो शब और रोज कैसे गुजरते हैं। मीरपुर से देखिए दानिश कय्यूम खानपुरी की ये रिपोर्ट। तू कादिर और आदिल है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। इकबाल के ख्वाबों की ताबीर। पाकिस्तान में मजदूर पर कुछ ऐसे ही कठिन हालात गुजर रहे हैं। आज की इस कहानी में मीरपुर आजाद कश्मीर के एक जोड़े का जिक्र है। 29 साल कबल के एक जोड़े को कूड़े के ढेर से मिलने वाली एक माजूर बच्ची और उसकी कहानी। सेक्टर C2 के रहायशी बे औलाद जोड़े 70 साल मोहम्मद ताज और उसकी 55 साल जोजा अनवर बीबी ने अल्लाह की रजा की खातर इस लावारस माजूर बच्ची के परवरिश का जिम्मा तो ले लिया, लेकिन अवाम के लिए माँ की हैसियत रखने वाली रियासत शायद अपने फर्ज से गफलत बरत गई। बुढ़ापे और बीमारियों से दो चार मोहम्मद ताज रेड़ी लगाते हैं और अनवर बीबी लोगों के घरों में काम करती हैं। वो जुबान हाल से चीख चीख कर रियासत हुकूमत और माशरे से कह रहे हैं, तू कादिर और आदिल है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। आज तो पहले 28 साल में आंदी सी, दो नंबर स्कूल ने कोल पई सी, उत्थे बैकड से उन्होंने बिच चुकी जांदी सी ते पाली है। बाद डॉक्टर ने दस्या भी ठीक है। उस बाद 4 साल तो बाद ना इसने मजदूरी जड़ी है ना वो पैदा हुई है। अंगवा इसने जल्द डिंगे हो गए तो सारे आख्या लोग राम नहीं आया इस जाई दे छो भाई दारे बिच्च, ते मैं डरी अल्लाह को दारे च नहीं दी। फिर अगर मैं मजदूरी करना रहा ठीक ठाक सा, हूँ मैं दमें ना मरीज हाँ, एक मेरी बाह में जड़ी है नहीं कम करनी। बेनजीर स्कीम चू इन्ना 1000 रुपया देने सन, 1.5 साल दिता ने तो भी बंद करी छोड़िया नहीं। असा जगह ठिकाना भी कोई नहीं, माड़ा खटने वाला कमाने वाला कोई नहीं, बंदा माड़े सामने बैठे आ। तो लिहाजा असा की जगह भी दी जाए, साड़ी मदद भी की जाए। मैं आपे भी जहनी तौर पर ठीक ना, मैं भी दमे नहीं मरीज हाँ, ये भी दमे ने मरीज हैं। तो हूँ असा इस बच्ची ने खर्चा जड़ा वो ना पूरा करी सकने भी। तो गौरमेंट अगर मेरी सदर ने अगर भी अपील है, वजीर आजम अगर भी अपील है कि मेरे पैसे बहाल किए जान और इस बच्ची की मदद की जाए भी। किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, आजाद कश्मीर में यूथ को मजबूत कुवत बनाएंगे, साहबजादा जुल्फकार का कोटली में खिताब। कोटली में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम आजाद कश्मीर के मशीर उमूर नौजवानों चेयरमैन पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन साहिबजादा जुल्फिकार अली ने कहा कि आजाद कश्मीर में हरजाला वजीर आजम है। चौधरी अब्दुल मजीद के मजावर वजीर आजम होने पर फख्र है। हम सब गड़ी खुदा बख्श के मजावर हैं। नोडेरों से उठने वाले लहू की गूंज आमरों और रिजत पसंदों के लिए मौत का पैगाम है। मिनी लंदन मीरपुर के लाखों शहरी दोहरी नेशनैलिटी रखने वाले बरतानवी शहरी हैं। इस साल रिकॉर्ड में मुल्क और कौम के ये सफीर मीरपुर आए हैं। इस हवाले से देखते हैं जुनेद इंसारी की खसूसी रिपोर्ट। मंगला डैम बनने से बहुत पहले की बात है कि ये इलाका जहां पाकिस्तान का दूसरा बड़ा आबी जखीरा मौजूद है, अपने घर वालों के लिए यहां के मेहनती ईमानदार और जफाकश लोगों ने सफर को वसीला जफर जानकर रोशनियों के शहर कराची जाकर बहरी जहाजों पर मजदूरी करना शुरू की। और इन जहाजों पर सफर करते करते कोई अमरीका जा पहुंचा तो कोई बरतानिया। जनरल अयूब खान के दौर में जब मंगला डैम बना तो मीरपुर के हिजरत करने वाले हजारों खानदानों की इमदाद करते हुए उन्हें बरतानिया समेत दीगर मुल्कों में जाने की सहूलत
दी गई। आज सिर्फ बरतानिया में एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख से जायद अहलियान मीरपुर आबाद हैं। इस साल मीरपुर में बहुत लंबे अरसे के बाद रिकॉर्ड तादाद में नौजवान, बूढ़े, बच्चे और खवातीन बरतानिया से अपने आबाई इलाका में आए हैं। मीरपुर की सड़कें, शॉपिंग सेंटर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और सियाहती मुकामात इस वक्त खचाखच भरे हुए हैं। रेंटे कार का बिजनेस भी चमक उठा है। चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान और कश्मीर के लिए दुनिया में बिला मुआवजा सफारतकारी करने वाले इन दोहरी शहरियत रखने वाले मेहमानों का इस्तकबाल हम रोशनी का चिराग जलाकर करते, लेकिन अमलन 10 से 15 घंटे बिजली गायब, गैस की लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के साथ इन मेहमानों का इस्तकबाल हो रहा है। आइए देखते हैं कि ये बरतानवी शहरी क्या कहते हैं। इधर बस अपने फैमिली को मिलने, ये चीज़ ये है कि बिजली इसमें बहुत कम आती है और पानी का इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरे दादा इधर होते हैं, हम उनको मिलने आते हैं तकरीबन हर साल, और इधर हॉलीडे भी हो जाती है इसका। इधर आते हैं जो हमें एयरपोर्ट जो प्रॉब्लम पड़ती है वो हम तंग करते हैं, क्यू में खड़े करते हैं साथ इस जहाँ या बिजली का प्रॉब्लम है। इधर मीरपुर में 3 घंटे 2 घंटे जाती है, और जब बाहर पाकिस्तान जाओ 6 घंटे के लिए बिजली नहीं होती। आज अंदाजे के मुताबिक पिछले साल 2,27,000 ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान का दौरा किया, ये फिगर्स 2011 के हैं। इस साल फिगर में इजाफा हुआ, बिजनेस की रेशियो में कुछ इजाफा हुआ, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो रमज़ान जुलाई में आ रहा है, और दूसरा ईस्टर हॉलीडेज़ में मौसम अच्छा होने की वजह से एक ज़्यादा तादाद इस साल इन महीनों में पाकिस्तान और स्पेशली आज़ाद कश्मीर में हॉलीडे की नियत से आई है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाले इन लोगों की अगर मुनासिब हौसला अफजाई की जाए तो यकीन जानिए कि हमसाया दोस्त मुल्क चीन की तरह ये लोग भी अरबों पाउंड्स की सरमायाकारी करके पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। रियासत और हुकूमत को चाहिए कि इस जोहरे काबिल की कदर करें और इनकी हौसला अफजाई करें। जुनेद अंसारी, जेके न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। मीरपुर शहर में कानून नाफज करने वाले इदारों की चश्मपोशी से पेशावर भिखारियों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं अदनान जब्बार मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। मीरपुर शहर की मुख्तलिफ मारूफ शाहराहों और शॉपिंग सेंटर्स में भिखारियों की भरमार ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। शॉपिंग सेंटर नांगी चौक, शहीदा मियां मोहम्मद रोड, कायदे आजम चौक, कल्याल, खम्बाल, पुरानिया हटियां, F1 समेत दीगर इलाकों में भिखारियों के गोल नजर आते हैं, जो मुख्तलिफ हीले बहानों से शहरियों की खाल उधेड़ने में मसरूफ़ हैं। इन भिखारियों की अक्सरियत का तल्लक पंजाब और दीगर सूबों से है, जिनमें से अक्सरियत खूबरू भिखारनों और बच्चों की है। इनका निशाना बिलखसूस तारकीन वतन होते हैं। भिखारी इनके साथ चिमट जाते हैं और कुछ लिए बगैर जान नहीं छोड़ते। मीरपुर में कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मर्द और खसूस जो ख्वातीन हैं इस मामले में, और उन्होंने इस पेशे की आड़ में बहुत से घरों को लूटा भी है और बहुत से दूसरे जराय में भी मुलवस हैं। तो हम चाहते ये हैं कि इंतज़ामिया और हुकूमत इस पर कोई एक्शन ले, कोई इनका सदबाब करे, ताकि शहरी जो हैं वो इत्मीनान से जाना रह सकें। यहाँ खासकर जो इंग्लैंड सारे लोग आने फैमलियाँ नाल होनी, उन्होंने कपड़े तक फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, घर भी यह पोजिशन है कि लैना लगे दी होनी तकरीबन फैसला बाद अगर पिछा वो अपनी फैमिली की बुलाने के मीर पर आओ, मीर पर आओ, इन्होंने वास्ते यूरोप ही समझ लो। असान लोगों ने तो यह सूरत हाल है कि हाल ही को नहीं, इंतजामिया ने तो हाल ही को नहीं। ज़िली इंतजामिया ने बारह मरतबा दफ़ा 144 लगाकर भीक मांगने पर पाबंदी आयद की है, मगर अमली कार्रवाई न होने से भिखारियों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। शहरियों के साथ साथ ताजर भी इन भिखारियों से तंग आ चुके हैं। अदनान जब्बार मुगल, जेके न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। हर खबर पुर असर।